बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि सबका वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप घर बैठे असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से 14,000 रुपए की इमदाद हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि आप किस तरह इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, किस तरह आप दोबारा फिर इमदाद लेंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से 2020 में इस प्रोग्राम का आगाज किया गया था और इस प्रोग्राम में जो अप्लाई करने का तब तरीके का रखा गया था वो था 8171 8171, और वो हुकूमत भी तब्दील हो चुकी है और अब हुकूमत की जानिब से एक नया तरीकेकार मुतारिफ करवाया गया है। वो कौन सा तरीकेकार है, किस तरह आप इमदाद लेंगे, किस तरह आपको इमदाद मिलेगी, मुकम्मल तफसीलात मुकम्मल डिटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। आप सभी को स्किप नहीं करना, आप सभी को मुकम्मल जरूर से देखना। तो चले गए इस वीडियो जानिब, तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं, आज के नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चले गए बगैर टाइम वेस्ट की जानिब बढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब खानदानों को जो 14,000 रुपए की इमदाद कैश की जानिब से दी जा रही है, उस पर हमें अप्लाई करने के लिए जैसे आपको पहले एक तरीका कार मुतारिफ करवाया गया था 8171, उसी तरीके कार के जरिए आपने दोबारा फिर 8171 पर ही SMS सेंड करना है और आपको हुकूमत की जानिब से 8171 की जानिब से जो 14,000 रुपए की जो इमदाद है वो फौरी तौर पर आपको अदा की जाएगी। लेकिन आप अपनी इमदाद को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकेकार भी है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको फौरी तौर पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। आप वो किस तरह कर सकते हैं, एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपने उसको ओपन करना है। उसमें आपको एक फॉर्म दिया गया होगा, फॉर्म क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। उस फॉर्म में आपसे आपका नाम, बल्दियत, आपका एड्रेस, आपसे चंद इंफॉर्मेशन और मांगी जाएंगी, मोबाइल नंबर, चंद इंफॉर्मेशन और मांगी जाएगी, वो सारी सारी आपने फराहम करनी है। फराहम करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और जैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको हुकूमत की जानिब से एक मैसेज आएगा जिसमें आपकी इमदाद होगी और आप वो बहुत ही आसानी तरीके के साथ वसूल कर सकते हैं।